नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों के जो वीजे है ना वो कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया को अब पाकिस्तान की पब्लिक वहां पर नहीं चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में मीडिया में ये सवाल भी चल रहा है कि क्या पीएम मोदी जी को पाकिस्तान इन्वाइट करना चाहिए या नहीं। तो पहले हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस वीडियो को लेकर। तो ओरिजिनल वीडियो वाली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से सर, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की एंट्री पर पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी है। अभी जितने भी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, जो भी उमरा के लिए जो भी जाना चाहता था सऊदी अरेबिया, सबको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया गया सऊदी अरेबिया से। क्या कहना चाहेंगे कि ये हालात क्यों पाकिस्तान पर आए हैं? क्या हमारे पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से या इकोनॉमिकल इश्यूज की वजह से आए हैं? क्या क्यों हम पर ये हर कोई कंट्री हमारे साथ छोड़ दी जा रही है? ये तो देखें, ये अभी आपसे पता चला है, कल तक तो ठीक था, और ये अभी बहुत सारे मुल्क छोड़ेंगे, अभी तो सिर्फ सऊदी अरब ने छोड़ा ना आपको। तो तुम्हारे साथ पाकिस्तान हो सकता है, आपको ये सुबह भी छोड़ना शुरू कर दें, आपस में शहर भी छोड़ना शुरू कर दें। तो जैसे हालात इन्होंने बना दिए हैं, तो हालात इस तरह के बनने में वाम का भी बहुत सारा आता है, क्योंकि पिछले जो आपके जो 3 साल गुजरे हैं वाम को सब्र नहीं आ रहा था। तो ये वाम के साथ ऐसा होना चाहिए, जो हमारी पाकिस्तानी वाम है ना, आप यकीन करें हालात हमारे ठीक नहीं होंगे, इनके ऊपर मेरे हिसाब से तबाही आएगी। सर वजह ये लोग इतना शुक्र हैं, मसलसल 30 साल से ये पहले कह रहे थे जी इनने उन्होंने बाड़ियाँ लगाई हुई हैं, अभी जब चेंजिंग आई थी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। हमारे हुक्मरान तो हैं ही हैं, लेकिन हमारी वाम आप देखे, जिस बंदे का जितना दाल लगता है ना वो लगा रहा है, वो बख्शिश नहीं है। तो अगर आप मुझे वज़ीर आज़म की सीट पर बैठाएंगे, मैं उससे ज़्यादा बड़ा बेईमान आपको बन के दिखाऊँगा, और हूँ भी। क्या वजूहत? जब सारे उन्होंने बना दिया, हम पहले बेईमान नहीं थे, इन्होंने हमें सिस्टम ये वाला दिया। उसमें क्या हो गया? ये पिछली गवर्नमेंटों ने हमें सिस्टम ही ये दिया, हम किसी इदारे में काम करवाने जाते हैं बगैर रिश्वत के, हमारा काम ही नहीं होता। सर ये हमारे पड़ोसी मुल्क सारे तरक्की कर गए हमसे भाईजान, वो इसलिए तरक्की कर गए, उन्होंने तलीम हासिल की है, हमारे हुक्मरानों ने हमें तलीम की तरफ आने नहीं दिया, हमें इन्होंने बस यही है ये आपकी सड़क बन गई है, ये आपकी गली बन गई है, तो वोट हमें डाल दे, तो लोगों ने डाला। सर अफगानिस्तान हमसे, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, सब निकलेंगे, सब जाएंगे आगे। यही वजह ना, ये तलीम की बहुत बड़ी वजह है कि आप, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, नोकिया 3310 मोबाइल बहुत प्यारा मोबाइल था, अभी आप वो यूज़ नहीं करेंगे, अभी आप ये डिजिटल मोबाइल यूज़ करेंगे, स्मार्टफोन, लेकिन हमें वो 3310 ही चाहिए था, हमें वो 89 भी चाहिए था, 1980 वाला लीडर अब नहीं चलेगा भाईजान, ये वाम को अभी भी चाहिए कि होश कर लें, अगर होश ना करेंगे तो ये बदलेगा नहीं, ये उल्टेगा। सर पूरी दुनिया इंडिया की बड़ी रिस्पेक्ट करती है, इंडिया के लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करती है, हमसे ज़्यादा उनकी इज्जत क्यों है दुनिया में? देखिए ना, अभी इज्जत तो अभी उन्होंने ये जिगर का ऑपरेट किया, सबसे पहले उन्होंने किया, दिल के डॉक्टर सबसे बेहतरीन उनके पास हैं, टेक्नोलॉजी गाड़ियाँ उनकी अपनी खुद की बन रही हैं, हमारे लोग इधर उनसे ज़्यादा कारीगर हैं, लेकिन हमें आप देखना कभी कोई फैक्ट्री डालता था वो बिजली वाले आ जाते हैं, कोई टैक्स डाल जाते हैं, कोई टैक्स वाला आ जाता है खाम खां, तो ये कौन लोग हैं? और उसके बाद आप ये निज़ाम देखें ना, हमें कौन सा दिया गया है, ये जितने कब्जा ग्रुप है कौन है, कोई मुल्क इन्वेस्ट इधर इसलिए नहीं करता कि वो कोई जगह खरीद के जाता है, ये सब चोर जो MNA MPA मिलके उस जगह पे कब्जा करते हैं। आप कर सकते हैं किस चीज़ पे कब्जा? आप एक पेंसिल पे कब्जा नहीं कर सकते किसी के, जिसकी लाठी उसके तो आपके पीछे सपोर्ट होगी, जिसकी चोर की बड़े चोर की, तो आप भी चोर बनेंगे। तो बहरहाल ये तबाही की तरफ चला गया हुआ है, और उसके बाद ये कहते हैं डिफ़ॉल्ट होने वाला, डिफ़ॉल्ट हो चुका है मेरी जान, बहुत सारे लोगों के माल उधर कराची में कस्टम से पड़े हुए हैं, पैसे नहीं हमारे पास उनको। सर ये लोग यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिशियन है, ये मोदी को बुरा भला कहते हैं, मोदी ने अपने मुल्क को देखे कहाँ पर ले गया, दुनिया इज्जत करती है उसकी, हमारी कौन इज्जत करता है? ये तो अपने घर में अपने भाई को भी बुरा कहते हैं लोग, उतरे के वो अपने लिए ठीक है, वो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन है, ये अपने अभी एक हमारे पास एक लीडर आया, देखिए हम तकरीबन पहले आप जितने भी वोटर उठा ले वो नून लीग के थे, अभी हमने अपने आप को चेंज किया है, कुछ लोगों ने किया है, नया लीडर हमने तलाश किया है, उसने अच्छे काम भी किए, आप देखना कोरोना में उसने एक महीना मुल्क बंद रहा तो उसने मुल्क को चलाया है, ठीक हो गया। ये ख्वाजा साहब रफीक जब इमरान खान ने धरना दिया था 2013 में, तो उन्हें कहता था मुल्क 100 साल पीछे चला गया, अगर इनके ऊपर जंग लग जाए तो ये तो 1000 साल पीछे चले जाएंगे, मतलब कि अपने मुल्क के बंदे ने ही अपने मुल्क में अपना एहतजाज रिकॉर्ड गया, तो मुल्क इनका 100 साल पीछे चला गया था,
उसी बंदे ने देखे कोरोना में इनको संभाल के रखा है, चलाया है, पूरी दुनिया की तारीफ की है, लेकिन ये लोग अपने मुल्क की तारीफ ही नहीं कर रहे। अगर मौका मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर को मोदी को पाकिस्तान बुलाया जाए और उससे पूछी जाए कि बातचीत की जाए कि पाकिस्तान के हालात किस तरह से ठीक हो सकते हैं, क्या दावत देनी चाहिए मोदी को? नहीं देनी चाहिए, इतना माशाल्लाह हमारे मुल्क में भी टैलेंट है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर हम बात करें ना, तो दो प्रकार की न्यूज इस वीडियो में हमको देखने को मिली। पहली तो ये है कि क्या पाकिस्तान की सरकार को पीएम मोदी जी को इनवाइट करना चाहिए पाकिस्तान में, वहां पर बुलाकर बातचीत करनी चाहिए जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो सामान्य हो सके। तो पाकिस्तान की पब्लिक को ये पसंद भी नहीं है, जैसा हमने इस वीडियो के अंदर भी देखा है। तो इसके पीछे एक वजह है, इसके पीछे जो वजह है ना, वो वजह यह है हिंदू और मुस्लिम, ये इनके दिमाग में शुरू से ही फिट कर दिया गया है कि आप जो है मुस्लिम है वो जो है हिंदू है, तो हिंदू के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, ट्रेड वगैरह से इनका कोई लेना देना है भी नहीं। तो पहली न्यूज तो ये देखी। दूसरी जो खबर थी वो ये थी कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल कर दिए हैं। वो इसलिए किए हैं क्योंकि देखिये सऊदी अरेबिया डेमोक्रेटिक कंट्री तो नहीं है, ये तो हमको पता है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो नियम कानून है वो इतने सख्त है कि अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। और पाकिस्तानियों की एक ऐसी आदत है, हमने पिछली भी कई सारी वीडियो में इन चीज़ों को देखा है कि लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर जो अपना जो सिस्टम होता है अपने देश का वही वहाँ पर जाकर वैसा ही काम करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि अगर हम अपने देश को छोड़कर कहीं दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ का जो कानून है, वहाँ के जो नियम है, उन्हीं के हिसाब से अगर हम वहाँ पर रहते हैं, उसी व्यवस्था में हम ढलते हैं, तो वहाँ की सरकार और वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी हमको अच्छा समझते हैं। वो समझते हैं कि चलो ये कई दूसरे देश से आए फिर भी हमारे देश के कानून को मान रहे हैं, यहाँ के जो नियम है उनका सम्मान कर रहे हैं, उस हिसाब से रह रहे हैं। तो पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते हैं, इसकी वजह से सऊदी अरेबिया कई बार ये न्यूज आती है कि बहुत सारे लोगों को वहां से वापस भेज देता है पाकिस्तान और कई बार वीजा नहीं देता है, तो इस बार भी सऊदी अरेबिया इसी प्रकार का काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।